गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स हमारी क्या होती हैं और उनके बेसिकली हमारे क्या क्या कॉजेस हैं। कल हमने 7-8 टाइप्स के कॉज पढ़े थे जिनकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स होता है। आज हम पढ़ेंगे कि हम इन इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स को कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंशन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स। जो हमारी इलेक्ट्रिकल हजार्ड जिन जिन वजहों से होती है, उन वजहों या उन कामों को हम इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 तरह के हमारे टाइप्स दिए हुए हैं या 9 तरह के ऐसे रेमेडीज दिए हुए हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत ही ध्यान से समझिएगा ये चीज़ें। पहला पॉइंट हमारा क्या है, पावर कॉर्ड शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी। कल हमने पावर कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कल के लेक्चर में कि पावर कॉर्ड की जो भी हमारी अरेंजमेंट होना चाहिए वो लूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पावर कॉर्ड क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद वो एक जगह से कई जगह पे सर्किट का फ्लो कराता है। ठीक, तो जो भी हमारा पावर कॉर्ड हो वो हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, हाई क्वालिटी का पावर कॉर्ड हमेशा होना चाहिए। हाई क्वालिटी के पावर कॉर्ड से ये होता है कि जब हम सर्किट को ब्रेक करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमारा हजार्ड्स होने के चांसेस होते हैं उनको क्या करता है, वो रिड्यूस या एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं पे हमने पावर कॉर्ड का इस्तेमाल किया है किसी भी सर्किट में, कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो करने के लिए अगर हमने पावर कॉर्ड को यूज़ किया हुआ है, तो उस पावर कॉर्ड की जो क्वालिटी होनी चाहिए हमारी, वो हमारी क्या होनी चाहिए, काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम अच्छे क्वालिटी के पावर कॉर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स से अपने आप को और अपनी इंडस्ट्री को, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक, तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ पावर कॉर्ड शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी। जो भी पावर कॉर्ड हमने यूज़ किया है वो हमारा क्या होना चाहिए, बहुत ही हाई क्वालिटी का होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, इंस्टॉलेशन प्लेस। हमने किस जगह पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन किया है। कल हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रिकल वायर होने चाहिए वो ऐसे जगह पे बिल्कुल नहीं होने चाहिए जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट की अवेलेबिलिटी हो। मींस या तो वो वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो या तो कहीं से वाटर या कहीं से वेटनेस उसके ऊपर आए। तो जो इंस्टॉलेशन प्लेस हो कोई भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, वो ऐसी जगह पे ना हो जहाँ पे क्या हो, वेट सरफेस हो या वाटर उसके ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्टली क्या हो, उसके कांटेक्ट में आए। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, अगर वाटर उसके ऊपर आ गया मान लीजिए कहीं से, या कहीं से मॉइस्चर आ गया, तो जो वाटर होता है वो हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स के रिस्क को बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब अगर पानी आ गया तो उससे क्या हो सकता है, इक्विपमेंट भी डैमेज हो सकता है या इक्विपमेंट का इंसुलेशन भी डैमेज हो सकता है, और जो भी हमारा मेन पावर कनेक्शन है वहाँ भी क्या हो सकता है, वेटनेस की वजह से जो भी हमारी सर्किट है उसमें क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक जो है वहाँ से जो भी हमारे वर्कर हैं, जो भी ऑपरेटर हैं, उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक, थर्ड पॉइंट, अवॉइड ओवरलोडिंग इन आउटलेट। कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारी सर्किट है उस सर्किट को ओवरलोड नहीं करते हैं, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है केवल उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, उसके ऊपर लोड, एक्सटर्नल लोड को हम अप्लाई करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमने एक्स्ट्रा लोड उसके ऊपर डाला तो जो वायर के ऊपर का इंसुलेशन होता है वो इंसुलेशन हमारा मेल्ट हो सकता है, और उसके मेल्ट होने की वजह से फायर के चांसेस हमारे क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा आउटलेट है उसकी ओवरलोडिंग को हम अवॉइड करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इंस्पेक्ट इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स हैं उन सभी को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। चेक रेगुलर हमको क्या करना चाहिए, उनको चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अगर हम उसको चेक करते रहेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो भी उससे हमारा जुड़ा हुआ है, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग है या नहीं है, कहीं लूज़ फिटिंग वगैरह तो हमारी नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो, उसमें हमारी कोई जो है क्या कहते हैं, क्योंकि अगर लूज़ फिटिंग रहेगी, लूज़ फिटिंग के प्लग्स होंगे
तो उससे भी इक्विपमेंट हमारा क्या होता है, ओवरलोड होके क्या करता है, फायर पकड़ लेता है। तो हम क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स को हमेशा चेक करते रहते हैं कि कॉर्ड हमारी कहीं कटी तो नहीं है, कहीं पर ज़्यादा हीट तो नहीं जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से वायर के डैमेज होने के चांसेस हमारे क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर फिफ्थ इज अवॉइड बाइंडिंग एंड नॉटिंग केबल्स। हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल केबल होते हैं उन केबल में कोशिश हम ये करते हैं कि उन केबल को हम इकट्ठा कहीं पे राउंड कहीं पे गोला ना बना के रखें और उसमें हम कोई गांठ ना बांधें। नॉटिंग का मतलब होता है गांठ बांधना, जैसे कभी कभी क्या होता है वायर कोई बड़ा है तो हमने क्या किया उसमें गांठ लगा के उसको छोटा कर दिया। तो हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं। इन चीज़ों को अवॉइड इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी वजह से क्या होती है, जो हमारी हीट होती है वायर्स के, वायर करंट फ्लो होने से जो हीट होती है वो प्रॉपर तरीके से बाहर की तरफ नहीं निकल पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फायर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल नहीं, जो हमारे ट्रांसमिशन केबल्स होते हैं, जैसे टीवी का, डिस्क का केबल, डीटीएच का केबल, अगर इन सबको हम फोल्ड करके जा रखें तो हमारा डिस्प्ले जो है उतना क्लीन नहीं आता है। तो इसकी वजह ये होती है, क्यों, क्योंकि उसमें हमेशा रेजिस्टेंस बार बार क्रिएट होता रहता है। तो हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग और नॉटिंग को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि हमको ऐसा ना करना पड़े। ठीक। नंबर सिक्स इज अनयूज्ड अप्लायंस नीड टू बी अनप्लग्ड। जिन जिन अप्लायंस की ज़रूरत नहीं है उन अप्लायंसेस को हम क्या करते हैं, तुरंत वहाँ से निकाल देते हैं। मतलब अगर कोई अप्लायंस ऐसा है जो नॉन फंक्शनिंग है तो उसको हम क्या करते हैं, तुरंत वहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हम उसको साथ उसको लगा के नहीं रखते हैं। नंबर सेवन, अवॉइड टू मेंटेन बाई योर सेल्फ। ठीक है, खुद को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से आप रोकिए, अवॉइड करिए कि आप खुद जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में इलेक्ट्रिसिटी के ना आए। नंबर एट, लाइसेंस्ड इलेक्ट्रीशियन, जो भी हमारे इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर जो भी हमारे काम करते हैं वो लाइसेंस्ड होने चाहिए। यहाँ लाइसेंस्ड का मतलब क्या है कि वो वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, उनको इलेक्ट्रिसिटी की सारी बारीकियाँ पता होनी चाहिए और उनके पास कोई भी ऐसा लाइसेंस या कोई भी ऐसा डिग्री होना चाहिए जिसकी वजह से हम ये ट्रस्ट कर सकें कि ये हमारा जो ऑपरेटर है या जो हमारा इलेक्ट्रीशियन है वो इस काम को अच्छे तरीके से कर सकता है। क्योंकि एक छोटी सी भी गलती क्या हो सकती है, काफ़ी भारी पड़ सकती है, उसकी वजह से फायर वगैरह हमारे हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स हो सकता है। नंबर नाइन, रिप्लेस और रिपेयर डैमेज्ड पावर कॉर्ड। अगर कोई भी पावर कॉर्ड आपका डैमेज है तो आप उसको तुरंत रिपेयर कराइए, और अगर रिपेयर से काम नहीं चल रहा है तो आप उसको तुरंत रिप्लेस कराइए। क्योंकि अगर आप उसको रिप्लेस या रिपेयर नहीं कराएंगे तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो है फायर या जो भी इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स है उनके चांसेस हमारे क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कॉर्ड को बेसिकली इंस्टॉल इसलिए किया जाता है, मतलब एक प्रॉपर मैनर्स के साथ उसको इंस्टॉल किया जाता है कि जिससे हम क्या कहें, सेफ्टी को माइंड में रखते हुए उसको हम इलेक्ट्रिकल कॉर्ड को इंस्टॉल कराते हैं। ठीक है, हम उसको ऐसे इंस्टॉल करते हैं कि वो दीवार में वगैरह में कहीं पे लगा हुआ हो। ठीक है, ऐसी जगह पे बिल्कुल ना हो जहाँ पे मॉइस्चर या वेटनेस हो। ठीक है, तो जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल कॉर्ड का इंस्टॉलेशन है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ठीक, और अगर उसमें से कोई भी ख़राब है इलेक्ट्रिकल कॉर्ड तो हम तुरंत उसको क्या करते हैं, हम रिप्लेस करते हैं। तो दीज आर द बेसिक प्रिवेंटिव मेथड्स बाय विच वी कैन रिड्यूस द इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स इन द इंडस्ट्री। एक इसमें हमारा एक पॉइंट और है, मेन पॉइंट जो यहाँ पे समझाया नहीं गया है लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। अक्सर आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि हम क्या करते हैं, नॉर्मल जो क्या कहते हैं घर की आपसी बोलचाल की भाषा में उसको बोलते हैं अर्थिंग। हम बोलते हैं कि हमने अर्थिंग करवाई है। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, अर्थ एक वायर हम लेते हैं जो मेन कनेक्ट से हमारा ग्राउंड में ज़मीन के अंदर हम उसको ले जाते हैं और वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टॉल करवा देते हैं। तो इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग। ठीक, तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी घर में लगवाते हैं, इंडस्ट्री में लगवाते हैं, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसकी प्रॉपर तरीके से ग्राउंडिंग करवा दें। क्यों करवा दें, क्योंकि क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं या अप्लायंसेस होते हैं वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी अर्थ या ग्राउंड होने चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है टू ऑब्टेन ए लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर डिसिपेशन ऑफ द करंट इनटू द अर्थ। राइट, तो हम क्या करते हैं, एक हम ऐसा पाथ लेते हैं जिससे क्या हो, लो रेजिस्टेंस पाथ लेते हैं जिससे करंट को हम क्या करें, अर्थ के अंदर क्या करें, डिसिपेट कर सकें। ठीक, तो जो भी हमारी ग्राउंडिंग होनी चाहिए वो अच्छे से होनी चाहिए। इफ़ द ग्राउंड फॉल्ट करंट डायरेक्टली हैज एन इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन सेफ्टी। राइट,
अगर क्या होगा, अगर हमारी ग्राउंडिंग नहीं सही होगी तो आपको सीधे शॉक लग सकता है, सीधे झटका लग सकता है। कभी कभी क्या होता है, इस केसेस में क्या होते हैं, जो एक्सेस करंट होती हैं वो हमारी अर्थ में चली जाती हैं, तो हमको क्या होता है, हमको शॉक नहीं लगता है। लेकिन अगर हम ग्राउंडिंग नहीं प्रॉपर करेंगे तो हमको शॉक लग सकता है। तो इसलिए बेसिकली जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उन सभी इक्विपमेंट को ग्राउंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राउंडिंग करवाते हैं। ठीक, इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर मान लीजिए कि कभी कोई एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो गई तो क्या करेगा, ये आपके जितने भी इक्विपमेंट हैं उन इक्विपमेंट्स को ख़राब होने से क्या करता है, बचा लेता है। ठीक है, समझ गए, मतलब क्या है कि सेफ्टी इसलिए भी रिक्वायरमेंट है कि अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो इट कैन सेव योर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम द डैमेजेस। ये आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं उनको डैमेज होने से क्या करती है, बचाती है। तो दीज आर द मेजर पॉइंट्स, ठीक है, जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं।